अब दूध यादव जी लोग ही बेचते हैं, अब उनका मतलब प्योर होता है ना दूध जो ये हम लोग खरीद के लाते हैं। अयोध्या यादव जी के माठा पियब गोरी सौ साल जी अब। एक फीमेल सिंगर है अंतरा सिंह प्रियंका, उनका गाना आया है कि ढोड़ी में बियर पियबा तो सौ साल जी अब। ये क्या सही है, एक फीमेल सिंगर को ये सब सोभा देता है? पिलाती होंगी लोग तभी तो पता है। अच्छा अच्छा गाना भी लोग सुनता है लेकिन ज्यादातर ढूढ़िए वाला गाना सुनता है। कोई चाय पिला रहा है ढूढ़ी में, तो कोई अपना क्या बोलते बियर पिला रहा है, कोई खीर पूरी खिला रहा है, कोई गुटको खिलाएगा। यादव और जो राजपूत का चल रहा था कि हम इनके फैन हैं इनके, अब ये है कि दोनों लोग अच्छा हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह जी अपने फायदे के लिए खेसारी जी से मिले हैं क्योंकि चुनाव में उनको यादव समाज का वोट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका प्रीति राय जी। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? हरे महादेव, मैं ठीक हूँ, आप कैसे ये बताइए। और सबसे पहले जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम, सभी को मेरी तरफ से हरे महादेव प्रणाम। हरे महादेव, और मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके अभी दो तीन गाने सावन के आए हैं जिसका दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, प्यार मिल रहा है तो खुशी हो रहा है और उम्मीद है कि और ज़्यादा प्यार मिले, इतने से पेट नहीं भर रहा जितना प्यार मिल रहा है। और बस यही चाह रही हूँ कि और भर भर के प्यार दीजिए आप सभी लोग, हमें सपोर्ट कर चाहेंगे। गाना वो दो लाइन हो जाए। हाँ, अभी आया था महादेव चले ले ट्रेंडिंग में प्रमोद जी के साथ, सॉरी टुनटुन जी के साथ, प्रमोद जी के साथ आया है लागेलू ब्यूटीफुल। जब पूजा करे जलो तो लागेलू ब्यूटीफुल। हाँ। और ए जान हो भूखा सोमारी, मतलब बहुत सारा आया है। और भी अदर लोगों के साथ बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आया है। ब्रिजेश सिंह जी के साथ बड़ा अच्छा अच्छा बोलबम का आया है। ए जीजा सिटवा, अगला सिटवा खाली रखी है, और साली जी, ऐसा कुछ और भी बहुत अच्छा अच्छा गाना है उनके साथ भी। कि कितना सारा, अगर टाइटल भी नहीं याद है मुझे, बहुत अच्छा अच्छा गाना सभी सिंगरों के साथ। दीपक दिलदार जी के साथ भी आया एल्बम, और उनका क्या नाम है, धनंजय धड़कन जी के साथ आया है। मतलब सभी के साथ आप सबके आशीर्वाद से आया है एल्बम। तीसरी से प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ आने वाला है प्रोजेक्ट, कब तक आएगा वो बताना चाहेंगे? अभी हम नहीं बता सकते हैं कुछ, वो तो प्रमोद सर ही बता सकते हैं कि कब आएगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आप सबको सुनने को मिलेगा। और बहुत अच्छा गाना है। लोकगीत है या बोलबम? बोलबम ही है शायद, मुझे मेरे हिसाब से। तो सावन चल रहा है और बहुत सारे गाने हैं, वो कब तक दर्शकों को दिखा रहे हैं? इस बार तो सावन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं सच्ची बताऊँ। आपको समझ आया? तो मेरा गैपिंग है। हाँ, 2 महीने का सावन पड़ गया है, और जैसे हर साल जितने उत्साह से होता है ना सावन मनाया जाता है, इस बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 2 महीने का है सावन फिर भी, तो मेरा खुद का सोलो प्रोजेक्ट अभी रोक के रखे, हम नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कीजिएगा। बोलबम के इतने सारे गाने आ रहे हैं, लोकगीत में कितने गाने अभी आने वाले हैं और कब तक आएंगे? लोकगीत भी बहुत सारा गाना रोज आप सबके आशीर्वाद से रिलीज हो ही रहा है, और भी प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छा अच्छा गाना लेके आए आप सबके बीच में। अभी एक यादव जी के मट्ठा वाला गाना का दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। हाँ, टुनटुन जी के साथ मेरा गाना रिलीज हुआ है, यादव जी के माठा पियबू गोरी सौ साल जियबू। गाना दो लाइन हो जाए। हाँ, मेरा लाइन था, अरे दे दो टनिक चाहे कवनो दवाई, अब बनल रहे ब्यूटी जाए ना गोराई। तब टुनटुन जी का लाइन था, फ्री में दे तो हम बानी सलाह बोला का तू लिहबू, अयोध्या यादव जी के माठा पियबू गोरी सौ साल जियबू। काफ़ी मतलब अच्छा लोगों का प्यार मिल रहा है इस सॉन्ग को। 100 साल वाले आप गाने बताएं तो उसके लेकर के हम बता दें कि भोजपुरी में एक और ट्रेंड चल रहा है कि ढोड़ी को लेकर के। हाँ, ढोड़ी फिर से ट्रेंडिंग में आ गया है। हाँ, और जो कि ये नहीं होना चाहिए, और ज़्यादातर इसमें फीमेल सिंगर हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। किसी का गाना है ढोड़ी में चाय पीवा सौ साल जीवा, कोई का गाना है ढोड़ी में दूध पीवा सौ साल जीवा। एक फीमेल सिंगर हैं अंतरा सिंह प्रियंका, उनका गाना है कि ढोड़ी में बियर पियबा तो सौ साल जीवा। ये क्या सही है, एक फीमेल सिंगर को ये सब शोभा देता है? पिलाती होंगी लोग तभी तो पता है। देखिए, गाने को तो हम लोग भी गा सकते थे, लेकिन हमारा उसी मतलब वैसा ही है, लेकिन एकदम साफ सुथरा है। कोई अश्लील आप कह सकते हैं कि यदि यादव जी के माठा पियबू गोरी सौ साल जियबू? माठा मीन्स, अब दूध यादव जी लोग ही बेचते हैं, अब उनका मतलब प्योर होता है ना दूध जो ये हम लोग खरीद के लाते हैं। भैंस गाय सब लोग पालता है, लेकिन ज्यादातर प्रचलित वही लोग हैं ना, यादव समाज ही हमारे, तो एकदम साफ सुथरा मैटर, ऐसा नहीं है। अब लोगों का सोच क्या कह सकते हैं, अब इस टाइम पहले भी ट्रेंडिंग में था ढोड़ी, बीच में शांत हो गया था, अभी फिर हो गया है, तो अभी लुगा कई भी एक और गाना है
सुने थे हम कि यदि मेहरी के लुगा सिए ब राजा 100 साल जिए बहुत सारा तो ढोड़ी वाला कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, कोई चाय पिला रहा है ढोड़ी में, तो कोई अपना क्या बोलते हैं बियर पिला रहा है, कोई खीर पूरी खिला रहा है, कोई गुटको खिलाएगा, क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना मानसिकता है। अच्छा जैसे मैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मान लीजिए जो ऑडियंस पसंद करेगी वही ना सिंगर लोग गाएगा, तो इसमें कौन दोषी है, क्या पब्लिक दोषी है या फिर सिंगर लोग दोषी है? देखिए हम सिंगर को ना ही कुछ नहीं बोल सकते, हम ऑडियंस को ही बोलेंगे। मान लीजिए हमने गा दिया कि हमरे ढोड़ी में चाय जदि पिएब राजा 100 साल जी, जब कोई सुनबे नहीं करेगा तो आप गाइएगा, जब देखे आपकी मेरा व्यू भाग रहा है तो आप कहे कि अरे ये गाइए तो मैं भी गाऊं, आप गाए आपको देख के वो भी गाए कि अरे वो दोनों का भाग रहा है व्यू हम भी गाए, तो व्यू जा रहा है तभी तो लोग गा रहा है। आज के समय में लोग ये नहीं देख रहा कि अश्लील गाना है कि परिवार में सुन ले लायक है कि नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, पैसा बन रहा है ना बस, व्यू जा रहा है बस, अच्छा गाना गाइए कोई नहीं देख रहा है तो क्या अच्छा गा के कोई करेगा, बस यही वो चीज़ है और कुछ नहीं। तो सिंगर बेचारा क्या करेगा, वो भी तो मेहनत कर रहा है ना, अच्छा गा गा के लोग थक जाता है, हमारे मन में आता है कि यार अच्छा गा के क्या कर रहे हैं, हमसे तो अच्छे यही लोग हैं ढोड़ी में चाय पिला के हिट हैं, कमा रहे हैं पैसा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिंगर को इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं गाना चाहिए? क्योंकि ऐसे देखिए नशे का लत होता है जिसको, अब देखिए मार्केट में दूध भी मिलता है, शराब भी मिलता है, लेकिन शराब लोग खूब पीते हैं। किस दुकान पे ज्यादा भीड़ होता है? शराब वाले पे। हाँ तो वही कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नशा ही परोसे, उसको छुड़ाने का कोशिश किया जा सकता है ना कि नहीं को नशा बढ़िया क्या नशा मुक्ति केंद्र कितना बना हुआ है, लोग जाता है फिर आके वही काम करता है, तो बुराई की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होता है पहले। तो अच्छा गाइए साफ सुथरा उतना नहीं सुनते हैं लोग, ऐसा नहीं है शिल्पी जी का भी गाना कितना अच्छा अच्छा बजा है, ऐसा नहीं है, अच्छा अच्छा गाना भी लोग सुनता है, लेकिन ज्यादातर ढोड़िए वाला गाना सुनता है। अभी गाना उनका इतना अच्छा बजा था, वो कौन सा था, ढोड़ी चटना, कितना लोग विरोध किए लेकिन सब लोग बजा वही रहे थे, बजा रहे थे तभी तो गाना बज रहा था, अगर उसको लोग बाइकॉट करता सुनबे नहीं करता तो इतना बढ़ावा नहीं मिलता। और वही चीज है लोगों का बढ़ावा है कि ढोड़ी चला आ रहा है प्रक्रिया, हम लोग के भी कई बार इतना मजबूरी हो जाती है गाने को, कितना कोई रिजेक्ट करेगा, मान लीजिए हम गाना ही गाने आए, हम अपना कुछ परिवार पालने आए, कुछ नाम बनाने आए, 100 को गाना अगर वही आएगा तो कितना रिजेक्ट करेंगे। तो ऑडियंस का ऑडियंस ना सुने ऐसी चीजों को, बाइकॉट करे तो खुद ही कोई नहीं गाएगा। आप रील्स पे भी देखी होंगी कई लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करके इस ऐसे ऐसे गाने पे रील्स बना रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी अपनी निजी है, हम क्या बोल सकते हैं किसी को, सबका अपना है, भारत है, सब स्वतंत्र हैं, क्या बोल सकते हैं हम किसी को, सबका अपना अपना मानसिकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, हम तो यही बोलेंगे। नहीं जिस तरह से हम लोग भोजपुरी समाज से आते हैं और बिहार से स्पेशल आते हैं, और हम लोग अपने संस्कार और संस्कृति से जाने जाते हैं, और ऐसा जब लोग देखता है कि कहाँ का ये कंटेंट है, चाहे गाने हो चाहे रील्स हो, तो लोग क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में? एक बात बताएं, हमारे फिर भी अगर देखा जाए ना, आदमी बोलता है बिहार अश्लील है, भोजपुरी गाना अश्लील है, अश्लील है भोजपुरी, बिहार के लोग ही बोलते हैं बिहार बिहारी गाना अश्लील है, भोजपुरी हम नहीं सुनते हैं, बिहार के लोग ही कहते हैं हम बॉलीवुड सुनते हैं, बॉलीवुड सुनते हैं, बॉलीवुड का गाना सब सुनते हैं हम लोग, ये नहीं सुनते भोजपुरी का। लेकिन अगर आप बॉलीवुड का उठा लीजिए तो वो लोग बिगनी तक गाना शूट करते हैं पहना पहना, लेकिन हम लोग का फिर भी लहंगा चोली रहता है ना भाई, वो तो शब्दों का जो चयन होता है, अब शब्दों का चयन ये है ना, अब क्या हम लोग का एक होता है ना एक भोजपुरी का जो एकदम जो गांव में आदमी बोला जाता है तो वो चीज़, लेकिन वो एकदम नहीं घुसना चाहिए डबल मीनिंग में। आदमी कहता है कि भोजपुरी 2 अर्थी है, लेकिन आज के समय में 2 अर्थी नहीं पूरा असली ही गा रहे हैं लोग, तो उन लोग को नहीं करना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे, लेकिन अब किसी की मानसिकता को क्या ही बोल सकती हूँ मैं इतना। और इस चीज़ के लिए मैं सिंगर को या किसी को बढ़ावा नहीं बोलूँगी, मैं सब बोलूँगी ऑडियंस की गलती है, ऑडियंस नहीं सुनेगी। मान लीजिए आप गलत गाइएगा, हम गाएंगे, वो गाएंगे, तीसरा चौथा गाएगा, 5 गाएंगे, और जब देखेंगे 5ों को कि नहीं सपोर्ट मिल रहा है, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो 6वां गाइबे नहीं करेगा, वो गाएगा नहीं गाएगा, और बाकी लोग भी उसको देख के कहेगा नहीं गाएगा। अभी क्या है कि अभी जितने भी उठा लीजिए, अब जितना भी गाना अश्लील बजा है जमीनी स्तर पे अश्लील बजाएगा ना, अब उनको देख दी जो नए सिंगर आते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार अच्छा गा के हम नहीं हिट होंगे, जितना गंदा से गंदा गाना गाना गाओ हिट हो जाओ। तो बस लोगों को देख देख आदमी सीख रहा है, इतने सुपर स्टार हुए, आप किसी का बता दीजिए मुझे जरा नाम, किसी का भी नाम ले लीजिए जो अश्लील गाना नहीं गाया है,
बताइए सभी लोग गाए तो उन्हीं को देख देख सब लोग सीख रहा है कि वो लोग भी स्टार हो गए हैं भाई अश्लील गा के हम, तो लोगों की मानसिकता बन चुका है कलाकारों का, नए कलाकारों का, कि हम अश्लील गाएंगे तो हम जल्दी हिट हो जाएंगे, तो क्या कीजिएगा। अच्छा अभी भोजपुरी से जुड़े एक और न्यूज़ देख रहे होंगे आप कि पवन जी खेसारी जी में हमेशा जो विवाद रहता था वो प्रेम बनकर दिख रहा था एक मंच से, देख कर कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मैंने शायद आपके इंटरव्यू में बोला था कि ये लोग जो मीडिया मीडिया करते हैं, फेसबुक फेसबुक खेलते हैं, कि इंग्लैंड थोड़ी रहते हैं, पास में ही रहते हैं, बैठ के क्लियर कर ले, तो बहुत अच्छा लगा कि दोनों लोगों में सुलह हो गया और हमारे भोजपुरी के धरोहर है माना जाए एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि उनको दोनों लोग को देख के आदमी सीखता है, प्रेरणा लेता है, तो अच्छा है कि दोनों लोग एक हो गए अब, मतलब बटा नहीं है, अब एक हो गया। यादव और जो राजपूत का चल रहा था कि हम इनके फैन हैं इनके, अब ये है कि दोनों लोग अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह जी अपने फायदे के लिए खेसारी जी से मिले हैं क्योंकि चुनाव में उनको यादव समाज का वोट मिल सके। अब ये तो पवन जी ही बता सकते हैं सर। अब ये आपको क्या लगता है, ये प्रेम वाला भाईचारा था या फिर राजनीति वाला भाईचारा था? इस पे हम कोई कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये उन वही बता सकते हैं कि उनका पर्सनली क्या है। बाकी आज के समय में बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता है देखा जाए तो। बिना अगर हमको आपसे मतलब नहीं होगा तो आपको हम बुलाएंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर हमको पता है कि आपसे दो पैसे का लालच है तो हम आपको बुलाएंगे। एक क्या पता ये भी हो सकता है कि वहाँ पे रवि किशन जी ने लोगों को बुलाया तो बड़ा भाई का सम्मान किया हो दोनों लोगों ने, हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ हम कहेंगे अच्छा हुआ कि अब जो भी अंदर की कहते हैं ना कि जो भी उसका कारण हो मिलने का, लेकिन मिल गए ये अच्छी बात है कि मिल तो गए, अब अंदर का क्या कारण है वो तो साइड करिए, पहली है कि मिल गए, अच्छी बात है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अपने गाने को लेकर अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? बस यही कि आप सब भर भर के प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मुझे, बहुत अच्छा अच्छा गाना लेके आ रहे हैं हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि एक से एक गाना आप सबके बीच में लेके आएँ और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेके आएँ। आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और चलिए आपने इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ है सिंगर प्रीति राय जी और इनके आने वाले गानों को ढेर सारा प्यार दीजिए और जो बात ये कही उनके बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।